अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परवीन्स किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगी आप सब ठीक हो गए। आज की हमारी रेसिपी जो है किसी की फरमाइश है। बहुत लोगों ने मुझे फरमाइश किया है कि सांदन की रेसिपी बताइए, तो आज वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस किस तरह बनाते हैं चलो हम देखते हैं। फर्स्ट मैं आपको चावल का हिसाब जो है वो बताऊँगी, साथ ही साथ दूसरे भी चीज़ें जो है वो बताऊँगी। तो फर्स्ट हम चावल, मैंने 2 किलो चावल ली थी, उसको अच्छे से धो के सुखा के मैंने उसको दरदरा पीसी हूँ। ये पीसने के बाद हमने उसको छान के ये मोटी कनी निकाले है, ये मोटी है और ये इससे थोड़ी पतली है, तो इस तरह हमने ये कनी निकाला है। अब इस कनी को हम क्या करेंगे, उसको हम पकाएंगे, वो मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट। फर्स्ट ये कनी निकाले, तो इस तरह ये 2 किलो में आधा किलो ये कनी निकालने का, इसके लिए इसको हम पकाएंगे। ओके, साथ में हमने लिया है 1/2 kg शक्कर, 1/2 kg सोजी। ओके, 2 किलो चावल के लिए हमने लिया है 4 नारियल, उसका हमने दूध निकाला है, ये पहला और दूसरा दूध है, हम पहली बार पीसेंगे फिर दूसरी बार पीस के इस तरह हम गाढ़ा दूध निकालेंगे, और तीसरी बार पीस के हम इस तरह ये पतला दूध निकालेंगे। तो ये है 4 नारियल का दूध, या ऑलमोस्ट एटलीस्ट 4 लीटर तभी। हाँ, ये गाढ़ा है और ये पतला है, ये पतले में हम वो कनी जो है उसको पकाएंगे। ओके, साथ में ये है नारियल का पानी, 1 टीस्पून सॉल्ट है और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये नारियल का पानी जब हम सब मिक्स करके तैयार करके जब हम डालेंगे ना पॉट में, उस टाइम हम ये शक्कर के ऊपर डालेंगे। ओके, तो ये थी हमारी सांदन की इंग्रेडिएंट्स। अब क्या करते हैं, हम कनी जो है उसको पकाते हैं। देखिए, एक पॉट में ऑलरेडी मैंने पतले दूध को ट्रांसफ़र किया है। ओके, इसको हम बॉईल होने देंगे। देखिए, ऑलमोस्ट ये बॉईल होने के लिए आया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वो कनी जो है वो ऐड करेंगे। ओके, इस तरह, और साथ में हम सॉल्ट भी ऐड करेंगे। कनी को जो है हम चावल की तरह, जिस तरह हम चावल पकाते हैं ना, उस तरह हम ये कनी को जो है पकाएंगे। देखिए पक रहा है, देखिए किस तरह पक रहा है। इस तरह हम उसको पकाएंगे और चावल की तरह हम उसको अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। राइट, हल्की कनी लेकर चेक करेंगे उसको इस तरह, या ऑलमोस्ट होने को आया है। देखिए इस तरह तीख हुई के उसके बबल्स जो है वो उठते हैं, संभालिए। मैं इसको ढकती हूँ थोड़ा टाइम। देखिए ढक के हमने पकाया है, उसका पानी जो है पूरा सूख गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक कर दम देंगे 5 मिनट। ओके, फ्लेम जो है हम लो करेंगे। देखिए उधर हमने कनी जो है पक गई है, उसको दम दिया है 5 मिनट। वो दम देने तक हम इधर क्या करेंगे, ये पॉट को रेडी करेंगे जिसमें हम आटा जो है लगाने वाले हैं। तो उसको हम किस तरह रेडी करते हैं वो मैं बताती हूँ। जो शक्कर हमने आधा किलो ली थी उसमें से ही इतनी वाटी जो है मैं वो शक्कर लेती हूँ, और बाकी की जो है मैं आटा आने के बाद उसके अंदर मिक्स करूंगी। तो ये मैंने शक्कर डाली हूँ 1 वाटी, और ये है हमारा नारियल का पानी जो हमने रखा था, वो इस तरह हम डालकर इसको देखिए तैयार किए हैं। अब क्या करेंगे, हम आटा जो है लगाने की तैयारी करते हैं। जो कनी को हमने पकाया था उस कनी को हम इसमें ट्रांसफर करते हैं एक बड़े से थाल में इस तरह। इसको हम गरम गरम ही मिक्स करेंगे। गरम गरम ही मिक्स करने से और लगाने से सांदन का जो ये बैटर जो है अच्छे से राइज होता है, और फिर हमारे सांदन जो है अच्छे से बनते हैं। ओके, स्पून के मदद से मैं इस तरह सॉफ्ट करूंगी उसको, ये गाढ़ा जो दूध निकाला था ना वो।
तरह हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने मिक्स किया, वापस डालूंगी। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स करेंगे और उसके लम्स जो है तोड़कर हम उसको एक अच्छे से बैटर का लुक देंगे। साथ में हम वो चावल और वो सूजी है उसको ऐड करेंगे। इस तरह देखिए मैंने नारियल का दूध डाल के 2-3 बार डाल के उसको अच्छे से स्मूथ किया है। देखिए कुछ अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। जो है हम सूजी ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। स्पून को वुडन स्पून को हटाते हैं। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, बहुत गर्म है। हम स्पून ही लेते हैं। देखिए सूजी को हमने अच्छे से मिक्स किया है। अब हम क्या करते हैं, वो पतली कली जो है वो ऐड करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा आधा हिस्से में करेंगे, पहले आधा डालते हैं उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर हम आधा डालेंगे। मुझे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा हाथ से ही करना, क्योंकि अच्छे से मिक्स करने मिलता है। बहुत गर्म है लेकिन, देखिए ये भी अच्छे से मैंने मिक्स की हूँ। अब क्या करूँगी, आधी जो है बची कनी वो भी ऐड करूँगी। ओके, इसको जो है गरम गरम ही मिक्स करने करें, ठंडा बिल्कुल नहीं। अगर ठंडा होगा तो हमारा आटा जो है जिस तरह आना चाहिए वो उस तरह नहीं आता था। अब ये जो आटे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ये थोड़ा थिक है तो मैं और उसके अंदर थोड़ा मिल्क ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स हुआ है और किस तरह उसका टेक्सचर है आप देखिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको वो पॉट में जो हम तैयार किए हैं उसमें हम डालेंगे। जो पॉट आपको बताई थी ना, उसमें मैंने ये सारा जो है हमारा मटेरियल उसके अंदर डाल दी हूँ। ओके, सारा बैटर जो है हम उसके अंदर डाल दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, कोयले का धुआं देंगे। 5 घंटे के बाद हम उसको चेक करेंगे, जब हमारा आटा आ जाएगा तब हम उसके सांदन बनाएंगे। देखिए लास्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह कोयला जो है रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा हम ऑयल डालेंगे और उसको हम ढक देंगे। हम 5 घंटे के बाद उसको अब हम खोल के चेक करेंगे। ओके, अब हम चेक करते हैं। ओके, हमारा आटा आया या नहीं। देखिए हमको कैसा मालूम पड़ेगा हमारा आटा आया कि नहीं, देखिए इस तरह बबल्स आएंगे। देखिए जहाँ वहाँ बबल्स फूट रहे हैं, इसका मतलब हमारा बैटर जो है सांदन का रेडी है। अब हम इस कोयले को रिमूव करेंगे और उसको मिक्स करेंगे और फिर उसके हम सांदन बनाएंगे। देखिए हमने जब आटा लगाया था तो बिल्कुल सूखा था, आप देखिए इधर पानी पानी हो गया है इसका मतलब, और बबल्स भी आ रहे हैं। हमारा आटा जो है अभी रेडी है सांदन बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो शक्कर जो रखे थे हमने वो उसके अंदर ऐड करेंगे। ओके, और हम अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे से हमारा आटा जो है वो राइज हुआ है और बहुत अच्छे से आटा हमारा आ गया है। अब हम इसके जो है सांदन बनाते हैं। तो मैं बताती हूँ सांदन के वाटिया है किस तरह हम उसमें भरते हैं। ओके, ये देखिए बहुत ही अच्छे से आ गया है। ऑलराइट, अब हम 10-15 वाइट भरेंगे, फिर हम उसके अंदर कलर भी ऐड करेंगे।
देखिए मैंने ये सांदन वाटी जो है उसको तैयार किया है। अब हम किस तरह इसको भरते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह हम भर हम थोड़े से जो है वाइट करेंगे और बाकी के जो है हम दो कलर इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए मैंने भरी हूँ और दूसरी तरफ मैंने क्या की हूँ, साँचे के अंदर पानी डाल के उसको बॉईल करने रखी हूँ, तो अब मैं उधर आपको दिखाने ले जा रही हूँ। ओके, और ये जो सांदन जो है मैं चूल्हे पे बना रही हूँ, लकड़े के चूल्हे पे बना रही हूँ। देखिए वाटी हमने तैयार किया है, अब जाते हैं हम साँचे में डालने के लिए। ओके, देखो ये साँचा है, हमने पानी ऑलरेडी बॉईल करने रखा है, पानी भी अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम ये जाली रखेंगे। देखिए अब हम इसके अंदर जो है ये सांदन वाटी डालते हैं, किस तरह हम लगाएंगे। देखिए बिस्मिल्लाह, इस तरह हम रखते जाएंगे। जितने रहते हैं उतने हम रखेंगे। ओके, देखिए इस तरह हमने लगाया है। अब हम इसको ढकते हैं और आधा घंटे तक उसको स्टीम देते हैं। ओके, देखिए वाइट जो है मैंने भरी हूँ। अब ये जो बचा था उसके मैंने दो हिस्से की, एक जो है मैंने आधा करके इसको येलो मिक्स की हूँ और दूसरा जो है इधर देखिए मैंने पिंक मिक्स की हूँ। अब हम इसके भी बनाएंगे, पर वो आधे घंटे के बाद जब वो को येलो भरती हूँ। एक जो है हम तीन कलर का देखो इस तरह ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट मैं वाइट डालूँगी, फिर पिंक, फिर येलो। देखिए हाई फ्लेम पर आप बना सकते हैं, गैस पे भी हाई फ्लेम रखो। ओके, और आधा घंटा स्टीम दो। देखिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर होने को आया, आधा घंटा होने को आया है। हमने क्या किया, एक बड़ा सा थाल में पानी डाल के रेडी किया है, क्योंकि जब हम निकालेंगे तो उसको हम पानी में डालेंगे। आप जब उसको पकाएंगे तो हाई फ्लेम पे पकाइए। देखिए आधा घंटा हो गया है, तैयार हुए। अब हम चेक करते हैं, माशाल्लाह ये देखिए, देखिए बहुत अच्छे से हो गया है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसको निकालेंगे, इस तरह हम निकालते हैं। और उसको हम ये ठंडे पानी में डालेंगे। इस तरह सारे जो है मैं निकालती हूँ। देखो अब हम ठंडे हुए, अब हम इसको निकालते हैं। देखिए किस तरह निकले हैं, बिल्कुल अच्छे से। ओके, देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और हल्के। ये देखिए हो गए हमारे सांदन जो है रेडी। अब मैं डिश आउट करती हूँ। लीजिए हो गए हमारे सांदन रेडी, हमने सर्व किया है। हम सर्व करेंगे गोश्त के सालन के साथ या तो फिर चिकन के सालन के साथ। मैंने बस इसी तरह आपको सब बना के बताई हूँ किस तरह हम बनाते हैं। तो हो गए तैयार हमारे सांदन ईद स्पेशल। आप लोग भी ज़रूर बनाइए और ज़रूर कमेंट करें कैसे बने हैं वो।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूले। फिर मिलेंगे इजी टेस्टी रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।